कैसे हैं आप लोग? तो आओ क्या, अपने कान में ईयरफोन्स डाल लो। क्या डाल भी लिए? बहुत तेज हो रहा है। खराब शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? दोस्तों आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम काफ़ी कमाल की एडिटिंग, खतरनाक वाली एडिटिंग लेकर आए हैं, जिसमें हम डबल टोन कलर एडिटिंग करने वाले हैं। तो उसमें सबसे पहले दो एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी, एक है लाइटरूम, एक है पिक्सआर्ट, ओके। और एक PNG का लिंक है, उसमें मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लेना। और आपको अगर लाइटरूम से कलर करना नहीं आता तो आप डिस्क्रिप्शन में वीडियो है उस वीडियो का लिंक है वहाँ से जाकर देख लेना। चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेंगे। तो दोस्तों अपने लाइटरूम से सबसे पहले दो फोटो को, मतलब एक ही फ़ोटो में दो कलर ऐड करने हैं, तो मैं कर लेता हूँ उसको सबसे पहले। तो यहाँ पर जो दो फोटो मैंने, एक फ़ोटो मतलब ये वाला जो फ़ोटो है, ये वाला फ़ोटो ले लेता हूँ, इससे मैं एक दो कलर करने, मतलब एक कलर करके उसको सेव कर देना, फिर दूसरा कलर करके फिर उसको सेव कर देना। तो यहाँ पर मैं कर लेता हूँ। तो गाइस हमने इसमें कलर इफेक्ट डाल दिया, तो इस फोटो को हम सेव कर लेंगे। जैसे इस फोटो सेव हो जाएगी, फिर इसका कलर हम दोबारा नॉर्मल कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर जो रिसेट का ऑप्शन है, और इस पर ऑल पर क्लिक कर देंगे। ऑल पर क्लिक करने के बाद इसमें न्यू कलर ऐड कर लेंगे दूसरा। तो मैं दूसरा कलर ऐड कर लेता हूँ। तो गाइस हमने एक कलर और ले लिए, इसमें है ग्रीन, ओके। इसको हम सेव कर लेंगे। जिस इसको सेव करने के बाद आपको पिक्सआर्ट ओपन करना है, ये वाला पिक्सआर्ट तो आप जानते हैं, इसको ओपन करना है। और भैया जैसे ये ओपन हो जाएगा, आपको वाली एक फ़ोटो ले लेनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये वाली फ़ोटो लेते हैं, इसका कलर रहने देंगे। ये वाली फ़ोटो लेने के बाद हम उस फोटो को भी ऐड कर लेते हैं यहाँ पर। तो ये वाली फ़ोटो को भी ऐड कर लेते हैं और इसको फुल बड़ा कर देना, ठीक है। आपको यहाँ पर रखना है और करना कुछ नहीं, फिर एक और फ़ोटो ऐड करनी है जो मैं डिस्क्रिप्शन में लिख। तो वो इस टाइप की फ़ोटो होगी, डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करोगे तो इसको आप जहाँ भी रखना चाहें वहाँ रख सकते हो। तो मैं यहाँ पर रखूँगा, ठीक है। थोड़ा इधर रखूँ साइड। उसके बाद दोस्तों फ़ोटो पर क्लिक करना साइड में, और ये वाला जो आइकन है, ये इसका इरेजर का, इस पर क्लिक करना है आपको। इस पर क्लिक करने के बाद इरेज को सिलेक्ट करना है और इसमें साइज थोड़ा बढ़ा देना है, इसकी ऑपेसिटी को फुल कर देना, और इसके जो ये हैंड रोस्ट है उसको भी थोड़ा हल्का सही कर लेना। उसके बाद आपको फ़ोटो इरेज कर लेना है, ठीक है। तो भाई साहब काफ़ी कमाल की एडिटिंग आ रही है। Thank you.
तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी कमाल की हमारी फ़ोटो लग रही है। इसमें लग रहा है कि हमने मतलब दो कलर कर रखे हैं इसमें, और काफ़ी कमाल की रियल फ़ोटो लग रही है बिल्कुल। इसको हम सेव कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर सेव करने के बाद इसको गैलरी में सेव कर लेते हैं। दोस्तों जो ड्रो का जो आइकन है यहाँ पर ही, यहाँ पर से ही सेव, अगर आप यहाँ से सेव करते हो तो फुल HD में फ़ोटो जाएगी और उसकी क्लियरिटी भी ख़राब नहीं होनी चाहिए। तो चलिए गाइस आज का वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करते जरूर जाना और लाइक जरूर कर देना वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर तुम लोग नए हो तो यार सब्सक्राइब करो।